तो इस तरीके से मैंने नंबर पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और बायोमास पिरामिड समाप्त किया। बायोमास पिरामिड में आपको ये पता होना चाहिए कि पैराडॉक्स का एग्जांपल है, क्वेटिक इकोसिस्टम पर पैराडॉक्स का एग्जांपल है, क्यों है मैंने ये एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। दूसरी बात, एनसीईआरटी लिखती है कि एक्वेटिक सिस्टम का बायोमास पिरामिड जनरली इन्वर्टेड होता है, इसका मतलब अपराइट भी हो सकता है। यस, कब होता है अपराइट? जब एल्गल ब्लूम बनता है, जहां पर एल्गी का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। मैं आपको बताऊंगा एल्गल ब्लूम बनने के कई सारे कारण है। मोस्ट कॉमन कारण ये है कि लेक में जब न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, वो अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, और उस कंडीशन में O2 की मिक्सिंग प्रॉपरली वाटर में नहीं हो पाती है, तो O2 नीचे नहीं जा पाता जहां नीचे कंज्यूमर सर्वाइव कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स मरने लगते हैं, उसका नंबर घटने लगता है और कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर का नंबर बढ़ने लगता है और पिरामिड अपराइट हो जाता है। तो ऐसा होता है, इसीलिए एनसीईआरटी ने जनरली लिखा है। इसलिए अगर कल को लाइन लिखा मिल जाए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास पिरामिड ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, तो लाइन गलत, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद लिखा है जनरली, ठीक है, और जनरली का कारण मैंने आपको बता दिया। नाउ अब मैं कंक्लूड करता हूं, नंबर पिरामिड का हर बार प्रोडक्ट सॉरी बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, बात हो चुकी है अपनी। एनर्जी पिरामिड का हर बार हर ट्रॉफिक लेवल का प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, यह भी बात हो चुकी है, हालांकि प्रोडक्टिविटी का डिटेल में पड़े। और बायोमास पिरामिड में हर बार स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, और अगर बात आई है स्टैंडिंग क्रॉप की तो इस बात को पूरी ही कर लेते हैं। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, तो समझेगा ध्यान से, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पर मिनट टाइम में पर मिनट एरिया में पाए जाने वाले जो भी लिविंग कंटेंट हैं, जो भी लिविंग कंटेंट हैं, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। तो आप मुझे बताओ, लिविंग में दो ही चीजें होती है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। और आपको पता है ऑर्गेनिक कैसा होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कैसा होता है, बाइंडेड। बात हो चुकी है पहले बात हो चुकी है, लिविंग ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक मिनरल्स बाइंडेड होता है ऑर्गेनिक के साथ, इन दोनों को मिला के स्टैंडिंग को आप कहते हैं। लेकिन फिर एक सवाल, एक स्टेटमेंट सुनने में आता है कि स्टैंडिंग क्रॉप इज टोटल लिविंग ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फिर बच्चा कहता है सर आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, फिर आप कह रहे हो कि स्टैंडिंग क्रॉप इज द टोटल लिविंग ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक को छोड़ रहे हो। हाँ छोड़ रहा हूं, मैंने वनली तो नहीं बोला ना। एक्चुअल में बात यह है कि जब आपको पता है कि स्टैंडिंग क्रॉप में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है, लेकिन जब प्रायोरिटी देना पड़े इन दोनों में मेनली क्या, तो मेनली ऑर्गेनिक, क्योंकि आपको भी पता है कि लिविंग ऑर्गेनिक का बॉडी में ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है और कम इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है, तो एक चूज करना पड़े तो आप ऑर्गेनिक बोलोगे, अदरवाइज दोनों को मिला के स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। देन एक जब ये स्टैंडिंग क्रॉप टर्म आया है तो एक टर्म और आता है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट जब आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को मिलाकर किसी इकोसिस्टम के लिविंग कंटेंट को बताते हो, तो आप वहां पर बात करते हो स्टैंडिंग क्रॉप। जब दोनों को मिला के बात करते हो तो स्टैंडिंग क्रॉप, या केवल ऑर्गेनिक बोलते हो तो भी स्टैंडिंग क्रॉप। और जब उस इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, तो आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ ये बाइंडेड इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्री हो जाता है। ये बाइंडेड इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्री हो जाता है, फ्री इनऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट, इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट। और इसमें आप केवल और केवल इनऑर्गेनिक कंटेंट की बात कर रहे हो, और ये इनऑर्गेनिक कंटेंट फ्री इनऑर्गेनिक कंटेंट की बात है, फ्री इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, इकोसिस्टम के सॉइल में मिलेगा, सॉइल में मिक्सअप मिलेगा, क्योंकि आपको पता है डिकम्पोजिशन सॉइल में होता है, मतलब डिकम्पोजिशन होने के बाद ह्यूमस बनता है, सॉइल का पार्ट बनता है, और उस सॉइल में जो भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स फ्री हैं
जितना भी अमाउंट में है उसी को स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, चाहे फॉस्फोरस हो, कैल्शियम हो, पोटास हो, क्लोराइड हो, जो भी हो उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। और एनसीईआरटी राय लिखती है कि हर इकोसिस्टम का, अलग अलग इकोसिस्टम का स्टैंडिंग स्टेट अलग अलग और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अलग अलग इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर भी अलग अलग, वहां के बायोटिक फैक्टर भी अलग अलग, और मरने के बाद उनके डिकम्पोजिशन का रेट भी अलग अलग। और अगर ऐसा है तो हर इकोसिस्टम का स्टैंडिंग स्टेट भी अलग अलग। दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर कह रहा हूं क्रॉप वर्ड आए तो क्रॉप वर्ड आप दिमाग में क्या लाओगे, खेती, खेती मतलब लिविंग, और लिविंग में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होता है, मगर मेनली क्या होता है ऑर्गेनिक, ठीक। और स्टेट वर्ड आए तो स्टेट मतलब ठहर गया, ठहर गया, ठहर गया मतलब रुक गया, रुक गया मतलब मर गया, और मरने के बाद कॉम्प्लेक्स सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्री इनऑर्गेनिक कंटेंट की, उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ बातें थी, दिस इज ऑल अबाउट पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। और अब बात करते हैं इस चार्ल्स एल्टोन के खामियों पर, उसके कमियों पर, कि उनकी कमी क्या थी। तीन बड़े कमी थी उनकी, और उन तीनों कमी को हम डिस्कस करेंगे। पहला, सबसे पहला कमी तो यही था कि चार्ल्स एल्टोन ने फूड चेन के लिए पिरामिड बनाया, और फूड चेन नेचर में मिलता ही नहीं है, नेचर में फूड वेब मिलता है, सबसे बड़ा कमी तो यही हुआ, ड्रॉबैक। चलो ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक हुआ। दूसरा, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, चार्ल्स एल्टोन ने अपने पिरामिड में डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं दिया, क्योंकि चार्ल्स एल्टोन ने फूड चेन के लिए बनाया था, वो भी डीएफसी को छोड़ के, और पीएफसी और जीएफसी में डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं मिलता है, तो पिरामिड में भी डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं मिला, जबकि डिकम्पोजर इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, और ये उनकी कमी है, क्या इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को अपने पिरामिड में नहीं कंसिडर किया। तीसरा कमी, इनके पिरामिड में ऐसे ऑर्गेनिज्म का कोई जिक्र नहीं हो पाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, जो ऑर्गेनिज्म एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पर लाई करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज स्पेरो सीड खा रही है तो प्लांट प्रोडक्ट खा रही है, अरबी बोरे T2 मिलेगा उसको, और वही स्पेरो अगर कल इंसेक्ट खा ले या कीड़ा मकोड़ा खा ले, वॉर्म खा ले, तो वो T3 पे आ जाएगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पिरामिड में कहाँ रखेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं। ह्यूमन को ही ले लो, ह्यूमन अगर प्लांट प्रोडक्ट खाएगा T2 पे, ह्यूमन अगर हर्बीवोर का मीट खाएगा T3 पे, ह्यूमन अगर कार्निवोर का मीट खाएगा T4 पे, तो ह्यूमन पिरामिड में कहाँ आएगा, कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड ऐसे ऑर्गेनिज्म को एकोमोडेट नहीं कर पाया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जगह नहीं दे पाया अपने पिरामिड में, जो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करता है। तो ये एक और कमी, तीन कमी, फिर से बात कर रहा हूं कि पहली बात, ये पिरामिड फूड चेन के लिए बना है जो कि नेचर में मिलता ही नहीं, सबसे बड़ी कमी। दूसरा, कि पिरामिड में डिकम्पोजर को कोई जगह नहीं मिला, दूसरी कमी, जबकि डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के लिए, क्यों, क्योंकि मिनरल साइकिल उसी से चलता है। और तीसरा, ऐसे ऑर्गेनिज्म का कोई जगह फिक्स नहीं कर पाए पिरामिड में जो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल को बिलोंग करते हैं। तो ये चार्ल्स एल्टोन की कमी, दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड। क्वेश्चन आता है, बहुत इजी टॉपिक, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार आपके नोटबुक की, आप नोट्स में देख लीजिए, इकोलॉजिकल पिरामिड में उनकी कमियां वगैरह सब दे रखी है। ये देखिए, ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, सारी बातें हमने यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ लेना इसको। स्टैंडिंग क्रॉप दे रखा है, पढ़ लेना। स्टैंडिंग स्टेट दे रखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कि स्टैंडिंग क्रॉप को कौन रिप्रेजेंट करता है, बायोमास, बायोमास में भी क्या, ड्राइविट। तो मैं कहता हूं कि क्या स्टैंडिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर या एनर्जी सफिशियंट नहीं था, नहीं। अरे भैया, एनर्जी से तो पहली बात आप स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नंबर से फिर भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं कहूँ कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, चलो मैं क्लासरूम की बात करता हूँ, कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, वहां पर 250 बच्चे हैं, तो 250 बच्चे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दे रहे, नंबर है 250, रिप्रेजेंट कर दे रहे,
बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों नहीं है कोई बता सकता है क्या? जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो पता तो चल ही रहा है ना कितने लिविंग कंटेंट कितना है, तो फिर ये अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? बायोमास ही अप्रोप्रिएट है क्यों? अतीक, तो इसका वेट तो फ्लक्चुएट करेगा। अरे नंबर कह रहा हूँ ना कि नंबर जब आप काउंट कर सकते हो तो नंबर भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्वांटिटी प्रेजेंटेशन ही है ना, तो नंबर से ही, नंबर पिरामिड से ही बोलते कि यही स्टैंडिंग क्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या दिक्कत है? आप हर जगह हर फूड चेन में नंबर काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बायोमास हर जगह काउंट कर सकते हैं। कैसे? आ जाओ, आप फाइटोप्लैंक्टन को 100,000 बोले क्या गिनने गए थे? एस्टिमेट करके आप बता रहे थे। फाइटोप्लैंक्टन को एक एक फाइटोप्लैंक्टन को गिनना पॉसिबल नहीं, लेकिन क्या उसका वेट मेजर करना पॉसिबल है? यस। तो अगर आपको स्टैंडिंग क्रॉप बताना है तो स्टैंडिंग क्रॉप बताने के लिए नंबर, पहले बात तो एनर्जी तो बता ही नहीं सकता स्टैंडिंग क्रॉप, कैसे बताओगे कि फलाना इतना अमाउंट एनर्जी है, इतना लिविंग कॉन्टेंट है? ठीक है, तो नंबर और वेट बचा, तो वेट और नंबर में ज्यादा अप्रोप्रिएट वेट इसलिए है क्योंकि वेट आप हर इकोसिस्टम के हर फूड चेन का मेजर कर सकते हो, हर ट्रॉपिक लेवल पर मेजर कर सकते हो, बट नंबर आप हर ट्रॉपिक लेवल पे काउंट नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वेट इज द अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द स्टैंडिंग क्रॉप, वो वेट में भी ड्राई वेट। ठीक है, तो ये बातों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये स्टैंडिंग स्टेट। अब एक टर्म और है, होम्योस्टेसिस, नॉर्मल टर्म में समझ लीजिए इसको। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस। आपको पता है कि हम, आप भी अपना मेंटेनेंस करते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज में आपने पढ़ा होगा, हम अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को एक कॉन्स्टेंट रेंज में मेंटेन करते हैं, दिस एबिलिटी इज होम्योस्टेसिस, ये इंटरनल होम्योस्टेसिस है। पता है इन्वायरमेंट भी अपने आप का होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, इकोसिस्टम भी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। क्वेश्चन इज दैट कि एक इकोसिस्टम में फूड चेन अपना होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है? आंसर इज थ्रू प्रेडेशन। कैसे, तो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक फूड चेन चल रहा है, 10,000 प्रोड्यूसर है, उसको खा रहा है 100 गो रैबिट, उसको खा रहा है 10 गो वॉल्फ, उसको खा रहा है एगो लाइन, एकदम मस्त फूड चेन चल रहा है। कल को अचानक से वहां पे रैबिट का नंबर 200 हो जाए, तो बताओ वो पर्टिकुलर फूड चेन डिस्टर्ब्ड है या नॉर्मल है? रिवा, वो पर्टिकुलर फूड चेन डिस्टर्ब्ड है या नॉर्मल है? दो चीजों से। पहली बात कि रैबिट को वॉल्फ ज्यादा खाएगा, चलो मान लिया, लेकिन कितना खा लेगा भाई? वॉल्फ का नंबर तो उतना नहीं बढ़ा कि ज्यादा से ज्यादा रैबिट को खाए, वॉल्फ का नंबर उतना तो नहीं बढ़ा। ठीक है, प्रेडेशन से थोड़ा बहुत मेंटेन होगा, बट ज्यादा मेंटेन होगा बाय शॉर्टनिंग ऑफ फूड, और वहां पर भी आंसर प्रेडेशन ही लगेगा, प्रेडेशन से ही हो रहा है। कैसे समझना? रैबिट ग्रास का प्रेडेशन करता है, बकरा मारा खाया, प्रेडेशन चल रहा है, ग्रास उतना नहीं भरा जितना रैबिट भर गया, तो मुझे बताओ क्या रैबिट के लिए प्रेडेशन करना मुश्किल होगा? ग्रास को जो प्रेडेशन कर रहा है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ फूड हुआ है। अब मुझे बताओ, उतना रैबिट उतना ग्रास खा नहीं पा रहा, क्योंकि रैबिट का नंबर भी बढ़ गया है, तो वॉल्फ को वो इजीली अवेलेबल हो रहा है द फूड, तो इस तरीके से बहुत जल्द वॉल्फ और ग्रास दोनों मिलके रैबिट का नंबर मेंटेन कर देगा। अगर इन दोनों में एक चूज करना पड़े कि ग्रास ने रैबिट का नंबर मेंटेन किया या वॉल्फ ने, आंसर ग्रास। शॉर्टनिंग ऑफ फूड इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि वॉल्फ 10 ही है, हो सकता है कि रैबिट को उतना ना खाए, उसी रेट से खा रहा हो, लेकिन अगर रैबिट बढ़ा है उसके लिए फूड शॉर्टेज होगी, ये बात तो पक्का है। इसीलिए एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो आप क्या चूज करोगे? बाय शॉर्टनिंग ऑफ फूड, यस और नो? इसका मतलब आप कह सकते हैं होम्योस्टेसिस के दौरान अगर इकोसिस्टम के फूड चेन में कोई भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का नंबर अचानक से बढ़ जाए, तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके पीछे वाला ट्रॉफिक लेवल जिम्मेवार है। कितने लोगों को बात पल्ले पड़ गया, खड़ा करो। किसी ट्रॉफिक लेवल पे अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके पीछे वाला ट्रॉफिक लेवल जिम्मेवार है।
कितनों को पल्ले पड़ी, आंसर है तो नहीं पड़ी, देख लो यहाँ पे क्या नहीं पड़ी जाती पल्ले। हाँ ये बीच में मीटिंग ये हो गया था। हाँ तो मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के फूड चेन में कोई भी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल का अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए पिछला ट्रॉफिक लेवल जिम्मेवार है। ये लाइन सभी को पल्ले पड़ गई क्या? अतीक, विवेक, रिवा, राजेश्वरी, चलिए तो दिस इज ऑल अबाउट पिरामिड और उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट। आप इन सारी बातों को पढ़ के जल्दी से समाप्त कीजिए, देन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आप इकोसिस्टम में कहाँ तक पढ़ेंगे। अगले दो लेक्चर में इकोसिस्टम समाप्त, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और एनसीईआरटी में सक्सेशन दे रखा है, सक्सेशन पहले पढ़ाया जा चुका है। और मैं आपको बता दूँ जो आपका टेस्ट होगा अगले दो लेक्चर में, कल पढ़ाऊंगा पिरामिड ऐसे प्रोडक्टिविटी, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा बायो जियो केमिकल साइकिल, उसके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इकोसिस्टम का मॉड्यूल डिस्कशन होगा, ठीक है, जो भी डाउट वगैरह है, देन उसके नेक्स्ट डेट टेस्ट हो जाएगा इकोसिस्टम का, पहले बता दे रहा हूँ, कोई डिले नहीं, टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा इकोसिस्टम एज पर एनसीईआरटी, क्या बोल रहा हूँ, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है, यानी कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया इस चैप्टर में इकोसिस्टम में वो सब, और सक्सेशन और एबायोटिक फैक्टर इस चैप्टर में नहीं है एनसीईआरटी में, तो एबायोटिक फैक्टर के सवाल नहीं रहेंगे, सक्सेशन के रहेंगे, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलिए तो अब ले लेते हैं होमवर्क, अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट है इकोसिस्टम वाले में तो बोलिए, फिर प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। हाँ अतीक, एनी डाउट? नो सर। विवेक? नो सर। रिवा? नो सर। नारेश्वरी? नो सर। पेज नंबर 247 पर, 247 पर सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, मतलब सेकेंड पैराग्राफ से हेडिंग नंबर, सॉरी यहां से लेकर आप यहां तक पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, बताते हैं कहां तक। पेज नंबर 250, यहां पर फर्स्ट पैरा तक पढ़ लेना है, ठीक है, इसको समाप्त कर लेना है। चलिए यहां तक आप ले लीजिए होमवर्क, देन मैं अगले दो लेक्चर में इसको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए आफ्टर 10 मिनट्स मिलते हैं, प्लांट एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे।